आप सब दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड इन 2009 और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। और अगर मैं बात करूं सीएमए लेवल पे, तो सीएमए फाउंडेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट, सीएमए इंटर में ग्रुप वन कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड सीएमए फाइनल में एसएफएम एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये मैं 2009 से टीच करता हूं। और आज हम यहां पे जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर सीएमए इंटरमीडिएट का आपका जो ग्रुप वन है, उसका जो पेपर नंबर 8 है। आप एज ए सीएमए स्टूडेंट ये बात अच्छे से जानते होंगे कि आपके जो पेपर नंबर्स है वो कुछ इस तरीके से चलते हैं कि सीएमए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, सीएमए इंटर में टोटेलिटी में 8 पेपर होते हैं, ग्रुप वन में 4 पेपर, ग्रुप टू में 4 पेपर, और इसी तरीके से सीएमए फाइनल में भी 8 पेपर होते हैं, ग्रुप वन में 4 पेपर और ग्रुप टू में 4 पेपर। तुम पेपर्स को जो नंबरिंग दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है कि सीएमए फाउंडेशन में 1, 2, 3, 4। तो सीएमए इंटर के जो पेपर स्टार्ट होते हैं उनकी नंबरिंग 5 से स्टार्ट होती है। तो ग्रुप वन का पहला पेपर जो है आपका, वो पेपर नंबर 5 है। इसी तरीके से ग्रुप वन का जो फोर्थ पेपर है आपका, वो पेपर नंबर 8 है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सीएमए इंटर ग्रुप वन का पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, आज हम यहां पे इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले कि ये जो आपका ग्रुप वन का पेपर 8 है, इसका क्या सिलेबस है। देखो, सिलेबस जानने से पहले मैं आपके साथ एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करना चाहूंगा कि सर हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, टोटेलिटी में कॉस्ट अकाउंटिंग में आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 8 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसकी वेटेज होगी 25 मार्क्स की, और जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा दैट विल बी कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी एंड वेटेज 25 मार्क्स की। सर, ये 25 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है, क्या ये प्रैक्टिकल होता है या फिर थ्योरी भी होती है? बेटा देखो, इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी होगा और थ्योरी पोर्शन भी होगा। और ये जो 25 मार्क्स है, इसके 4 पार्ट होंगे, जिसमें आपसे 10 तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10, एक एक नंबर की उनकी वेटेज होगी, आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। इसमें नॉर्मली अगर मैं बात करूं जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर है उसके अकॉर्डिंगली आई कैन से कि 7 इसमें नॉर्मली थ्योरी पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। तो 7 क्वेश्चन नॉर्मली 7 नंबर के प्रैक्टिकल, वो 7 नंबर के थ्योरी और 3 नंबर के प्रैक्टिकल। एक क्वेश्चन होगा इसमें, मैच द फॉलोविंग, एक एक नंबर की वेटेज होगी, 5 आपको मैच करने होते हैं, 5ों के 5ों नॉर्मली थ्योरी होते हैं। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ट्रू फॉल्स पे, और ये भी थियोरिटिकल होते हैं, और 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के, वो भी थ्योरी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है कंपलसरी है, इसमें अराउंड 22 मार्क्स की थ्योरी है और 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमारा थियोरिटिकल पॉइंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए आपको जो आपका स्टडी नोट 1 है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी नोट 1 जो है प्योर थ्योरिटिकल है, उसी में से नॉर्मली यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टडी नोट आपका जैसे कि 1 हो गया, साथ में जो 3rd है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टडी नोट, जो हम अभी देखेंगे कि उसमें क्या क्या कवर्ड होता है, वो भी प्योर थ्योरी है, तो नॉर्मली आपको इसमें से ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बच गए 7 क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक, हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 15 मार्क्स ईच। इसमें पार्ट बना दिए जाते हैं,
पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। नॉर्मली दो पार्ट होते हैं, कभी कभार इसमें तीन पार्ट भी बना दिए जाते हैं। आठ नंबर सात नंबर का कॉम्बो हो सकता है, पांच पांच नंबर के तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, नौ और छह नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, दस और पांच नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन विल बी ऑफ 15 मार्क्स, थर्ड 15 मार्क्स, इसी तरीके से हर क्वेश्चन 15 मार्क्स की वेटेज का होगा, जिसमें दो पार्ट भी हो सकते हैं, तीन पार्ट भी हो सकते हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूं, इन सेवन क्वेश्चन में से आपको सात के सात अटेम्प्ट नहीं करने होते, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। ये जो सात क्वेश्चन बच गए, इसमें से आपको केवल और केवल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पे 25 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो इधर आपको केवल और केवल 75 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। अगर इन क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन, जिसकी वेटेज 15 मार्क्स की होती है, वो थ्योरी होता है। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्योर थ्योरी रहता है, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर 7 है, नॉर्मली ये प्रैक्टिकल रहते हैं, 90 मार्क्स की इनकी वेटेज होती है, 15-15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, तो 15 × 6 90 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त 22 मार्क्स के आसपास की थ्योरी तो अटेम्प्ट करनी ही करनी पड़ेगी, बाकी जो है आप चाहो तो 3 नंबर का ये प्रैक्टिकल तो अटेम्प्ट करोगे, बाकी इधर आप चाहो तो पूरा का पूरा 75 मार्क्स जो बच गया वो आप चाहो तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप ऑन एन एवरेज माइंड में ये सेट कर सकते हो कि हमारे एग्जाम में 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 25 मार्क्स की थ्योरी नॉर्मली ये एग्जाम में देखने को मिलता है। दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा तो आई थिंक ज्यादा बेटर है, जिसकी वजह से आप क्लासेस में भी देखोगे प्रैक्टिकल में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और थ्योरी में भी टाइम स्पेंड करेंगे नो डाउट, बट प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में कम करेंगे, क्योंकि 1/4 है आपका थ्योरी और 3/4 है आपका प्रैक्टिकल। दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो पेपर है वो हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और इस 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपके सिलेबस में 6 स्टडी नोट इंक्लूड किए गए। आपका जो स्टडी मटेरियल बनाए जाते हैं वो स्टडी नोट 1, 2 इस तरीके से चलते हैं, तो 6 स्टडी नोट है जो कि हमें कवर करने हैं 100 मार्क्स की वेटेज के लिए। और ये जो 6 स्टडी नोट है सर, कौन कौन से हैं और इनमें नॉर्मली क्या क्या कवरेज होती है? देखो जी, स्टडी नोट नंबर 1 है आपके स्टडी मटेरियल का, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू डिफाइन किया गया है, जिसमें आप देखोगे डेफिनेशन दी गई है कुछ, लाइक कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कंपेयर भी किया गया है, और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कंपेयर किए गए। नॉर्मली कुछ ये टॉपिक कवर है एक तो, इसके अलावा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, और किन इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज की जाती है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। और तीसरा पार्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के टाइप, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, तो टाइप ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो स्टडी नोट 1 में 3 टॉपिक कवर किए गए हैं, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, 3 टॉपिक कवर किए गए। इसी तरीके से स्टडी नोट 2 की बात करें तो स्टडी नोट 2 का नाम है आपके कॉस्ट एसरटेनमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की कैलकुलेशन, कॉस्ट एसरटेनमेंट मतलब कॉस्ट की कैलकुलेशन, और कॉस्ट की जब कैलकुलेशन की जाती है तो
तो उसमें नॉर्मली कौन कौन से खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं, दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर चार पार्ट यहां पे है हमारे सिलेबस में। एक है मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के प्रोविजन हम यहां पे देखेंगे। दूसरा होगा इंप्लॉई कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के प्रोविजन देखेंगे। नेक्स्ट होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के प्रोविजन देखेंगे। और एक है ओवरहेड, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के प्रोविजन देखेंगे। तो स्टडी नोट 2 जो है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल कॉस्ट, इंप्लॉई कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड। इसके बाद तीसरा जो स्टडी नोट रखा गया है वो एक सिंगल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड रखा गया है, जिसमें कुछ बेसिक सी बातें की गई है रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, होते क्या है, कौन इनको इश्यू करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके क्या फंक्शंस हैं। और अभी तक अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट ने 1 से लेकर 24 तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए हैं, तो उनका हमें यहां पे ब्रीफ में एक समरी गिवन है हमारे स्टडी मटेरियल में, वो डिस्कस करनी है। लेंथी नहीं है, पूरे के पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पे कवर नहीं किए गए, सीएमए फाइनल में डिटेल में इनको डिस्कस किया गया है। यहां पे केवल और केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जस्ट केवल और केवल जो एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इनमें नॉर्मली सीएएस में से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी सीएएस के नाम और नंबरिंग पे, कि सीएएस 6 का नाम क्या है, 9 का नाम क्या है, 10 का नाम क्या है। हाँ, थोड़ा सा जो लास्ट आपने स्टडी नोट यूनिट देखी, इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन है 6, 7, 10 और 3। ये चार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलग से चैप्टर है हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे। इसके बाद जो आपका स्टडी नोट नंबर 4 है, उसका नाम रखा गया है कॉस्ट बुक कीपिंग। स्टडी नोट नंबर 4 जो है वो है आपका कॉस्ट बुक कीपिंग। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बुक कीपिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजेक्शन की, बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट में भी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की। कैसे, वो आपको कॉस्ट बुक कीपिंग चैप्टर में देखने को मिलेगा। और कॉस्ट बुक कीपिंग को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, लेजर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, और कॉस्ट स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किए जाते, तो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे आइटम है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर ही नहीं किए जाते। इसके अलावा नॉर्मल और अबनॉर्मल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा बुक कीपिंग का एक तरीका इंटीग्रल अकाउंट्स देखेंगे। और एक जैसे कि आप बैंक और पासबुक का रिकॉन्सिलिएशन बनाते थे, वैसे हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट का रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। तो आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर और पोर्ट सर्विसेज की बात की गई। एक्चुअल में मोस्टली जो प्रोविजन है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो डिस्कशन करते हैं आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें थोड़ा सा यहां पे ये भी डिस्कशन किया गया कि जो सर्विसेज का पार्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, पोर्ट सर्विसेज, इनकी किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है। हालांकि हमारे स्टडी नोट नंबर 5 में अलग से एक सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर भी है, जिसमें हम सर्विसेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो स्टडी नोट नंबर 5 है हमारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, देखो आपने ये जो अभी तक स्टडी नोट नंबर 1, 2, 3, 4 देखे हैं, 1 से लेकर 4 तक, इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम इन चार स्टडी नोट पे आपसे
40% क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, 40% क्वेश्चन एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे वो पहले चार स्टडी नोट पे पूछे जाएंगे। ये जो फिफ्थ स्टडी नोट है आपका, उसका नाम है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एज पर इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम इस स्टडी नोट नंबर 5 से पे आपसे 30% क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जाम में टोटल जितने भी वेटेज के क्वेश्चन आएंगे उसमें से 30% क्वेश्चन हम आपसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग में पूछेंगे। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग अपने आप में कोई एक सिंगल चैप्टर नहीं है, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, लाइक जॉब कॉस्टिंग। क्योंकि देखो सिंपल सी बात तो ये है, एक मैन्युफैक्चरर और एक मैं टीचर, क्या एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे और क्या मेरे खर्चे सेम तरीके के होते होंगे? ऑफ कोर्स नहीं। क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेगी, क्या वैसे ही मैं भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नहीं। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं जिनको कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग में डिस्कस किया गया है। जॉब बेसिस पे काम करने वाले पर्सन जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, बैचेस में प्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बैच कॉस्टिंग फॉलो करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, प्रोसेसेस में जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ ही जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का भी डिस्कशन हमारे स्टडी में किया गया। और एक है सर्विस कॉस्टिंग, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल दिया जाता है, और इसमें स्पेसिफिकली तीन सर्विसेज कवर्ड है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, होटल सर्विसेज एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में 5 मेथड ऑफ कॉस्टिंग हमें डिस्कस करनी है, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और सर्विस कॉस्टिंग। एक एक करके हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। इन 5 की वेटेज 30% है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो स्टडी नोट नंबर 6 है उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, उनको बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। 3 टेक्निक्स कवर है अपने सिलेबस में, 1 इज मार्जिनल कॉस्टिंग, 1 इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, एंड अनदर लास्ट 1 इज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। और एज पर आवर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट इसमें से भी आपसे 30% क्वेश्चन पूछे। तो आप कह सकते हो कि पहले 4 स्टडी नोट 40%, फिफ्थ स्टडी नोट 30% और लास्ट स्टडी नोट 30%। इसका मतलब आप देख सकते हो 6th स्टडी नोट की वेटेज है 30% और इसमें 3 टॉपिक कवर्ड। 5th में 30% के लिए 5 टॉपिक कवर्ड, और पहले जो 4 टॉपिक हैं वो 40% के लिए काफी सारे टॉपिक्स कवर किए गए। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं 5th और 6th पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। 1, 2, 3, 4 भी करने तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एग्जाम में पोर्शन रहने वाला है वो कम रहने वाला है इन कंपैरिजन विद 5th और 6th। तो आप देखोगे हमारी क्लासेस में भी टाइम 5th और 6th में ज्यादा डिवोट किया जाएगा इन कंपैरिजन विद 1, 2, 4। तो अगर क्रक्स देखें तो 100 मार्क्स का ये जो पेपर है 6 स्टडी नोट है, तो 6 स्टडी नोट्स हैं, 6 चैप्टर नहीं है। चैप्टर बहुत सारे हैं जिनको कवर करेंगे तब जाके 100 मार्क्स का अपना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो हमारी क्लासेज में इन 6 स्टडी नोट को डिस्कस करने का सबसे जो इजीएस्ट तरीका है वो ये रहेगा। पहला स्टडी नोट होगा आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 होगा हमारा डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1 के नाम से हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, चैप्टर नंबर 1A के नाम से इसको डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, चैप्टर नंबर 1B के नाम से डिस्कस करेंगे। सेकंड होगा आपका कॉस्ट एसर्टेनमेंट, जिसमें हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जिसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज आल्सो द पार्ट ऑफ मटेरियल, जिसको हम चैप्टर 3A के नाम से डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉई कॉस्ट,
और इसी का एक पार्ट इंप्लॉई टर्नओवर। देन हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से, एक ओवरहेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ओवरहेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट ये भी एक ही है, ये दो कंबाइंड है, ये दो कंबाइंड है, ये अपने आप में अलग है, ये दो कंबाइंड है। तीसरा स्टडी नोट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक सिंगल चैप्टर में डिस्कशन चलेगा। चौथा जो स्टडी नोट है उसको हम चार पार्ट में यहां पे डिस्कस करेंगे। कॉस्ट बुक कीपिंग को एक हम बनाना सीखेंगे, कॉस्ट शीट कैसे बनती है, एक हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की स्पेसिफिकली रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है, एक हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है इंटीग्रेटेड में, और देन हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को रिकंसाइल करने की कोशिश करें। फिफ्थ स्टडी नोट जो कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, इसको हम आठ पार्ट में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तीन पार्ट प्रोसेस, इंटर प्रोसेस एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड पार्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग कह दो या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह दो। और जो सिक्स्थ स्टडी नोट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, हम इसको पांच पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहले तीन पार्ट इंटर रिलेटेड होंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल वर्सेज अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और की फैक्टर, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस और बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो एक तरीके से दिखने में छह स्टडी नोट है, बट इन छह स्टडी नोट को कवर करने के लिए आपको काफी सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे, तब जाके आप एग्जाम में अपना 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे मार्क्स वहां पे ला पाओगे। जैसा कि मैंने आपको वेटेज पहले भी बताई, वेटेज जो है स्टडी नोट 1-4 की वेटेज होगी आपकी 40%, स्टडी नोट नंबर 5 की वेटेज 30% एंड स्टडी नोट नंबर 6 की वेटेज होगी आपकी 30%। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इन पे करो और उसके बाद ऑफ कोर्स इस पे भी करना, क्योंकि बेसिक तो देखो, बेसिक तो यहीं से आना है, तो स्टार्टिंग तो अपनी क्लासेस बेसिक से ही होगी। इसके बाद ये हमारा कुछ रिजल्ट है जो कि हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने पास्ट ईयर में हमें दिया है। हाईएस्ट 95 मार्क्स है, अकॉर्डिंगली काफी सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स यहां पे लिए हैं। इनमें वही स्टूडेंट है जिनका हमें पता चल पाया, काफी स्टूडेंट का पता नहीं चल पाता, वो यहां पे रह गए। और इसमें केवल वही स्टूडेंट है जिनके अबव 60 मार्क्स एग्जाम्स में आए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये जो सबसे स्टार्टिंग में देख रहे थे मार्क्स, रिकॉर्ड को आप तोड़ दो, मैं चाहता हूं। इस स्टूडेंट के मार्क्स जरूर केवल 60 हैं, बट फोर्थ रैंक है। और सिंपल मैं कहूं तो मैं चाहता हूं कि आपका नाम सबसे पहले आए, फर्स्ट रो में आपका नाम हो। तो वी आर वेटिंग एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर कि सबसे पहले यहां पे ये जो स्पेस है, इस स्पेस में आपका नाम लिखा जाए। तो ये हमारा एक सिलेबस था जो कि आपके स्टडी मटेरियल में भी है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप ये जो सिलेबस है इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख ले, ताकि आपको ये भी आइडिया रहेगा कि हमारा डिस्कशन किस तरीके से चलना है और स्टडी मटेरियल के एक एक करके सारे के सारे टॉपिक हमारे इस सिलेबस में डिस्कस हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा आप एक बार इसको कॉपी करो, पीछे का कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहां से कॉपी कर लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, एक यहां से भी डिस्कशन है थोड़ा सा, यहां से कॉपी करो, CMA इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग।
आपके स्टडी मटेरियल में सब कुछ लिखा हुआ है, बट अगर आपकी कॉपी में होगा तो लास्ट में जब आप रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे आपको अपने स्टडी को पिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमारे नोट्स में से अगर करोगे 100 मार्क्स की कवरेज आपको अपने पेपर में अपने नोट्स में से देखने को मिलेगी। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न कॉपी करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो हार्ड वर्क तो जरूरी है बट स्मार्ट वर्क उससे भी ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें अपने एग्जाम का पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद आप यहां से कॉपी करो, पेपर मार्क्स 100, 6 स्टडी नोट नंबर 1, उसको किन पार्ट में डिस्कशन करना है, स्टडी नोट नंबर 2 एंड स्टडी नोट नंबर 3। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 4 और 5 और उसके पार्ट्स किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी कॉपी करो। और फाइनली आप कॉपी करो स्टडी नोट नंबर 6, इसके पार्ट्स और साथ में वेटेज कि स्टडी नोट नंबर 1-4 की वेटेज 40%, 5th की वेटेज 30% एंड 6th की वेटेज 30%। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास का जो मेन पर्पस था मेरा वो था आपके साथ आपके सिलेबस का डिस्कशन करना कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें नॉर्मली किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है और हम आगे आने वाली क्लासेस में आपके स्टडी मटेरियल में जो टॉपिक्स हैं उनको किन पार्ट्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम रेलिवेंट है। तो ये हमारा आज का मेनली डिस्कशन था। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सबसे पहला स्टडी नोट नंबर 1 का पहला पार्ट डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।